नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद ही आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं क्रूड ऑयल के ऊपर बेस करके एक लाइव वीडियो बना रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा जो हम लोग का ये जो सॉफ्टवेयर है वो लाइव मार्केट में कैसे काम करता है, कैसे कॉल बनता है, और कैसे हम लोग एक स्ट्रांग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हम लोग को सबको पता है, मार्केट में हर रोज़ काफ़ी सारा कॉल बनता है, जिसमें से कुछ कॉल ही अचीव होता है, मैक्सिमम कॉल अचीव नहीं हो पाता है। तो कॉल आइडेंटिफिकेशन इस मार्केट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग मैटर होता है, जो कौन सा कॉल में हम लोग को ट्रेड करना चाहिए एंड कौन सा कॉल में ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप टोटली एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये सॉफ्टवेयर काफ़ी हद तक फायदेमंद हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए, मेरा चार्ट का ऊपर ये जो ब्लू कलर का एरो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका बाय का कॉल है। मेरा क्रॉस शेयर पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो ब्लू कलर का एरो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द बाय सिग्नल। तो जब भी कोई सिग्नल बनेगा, आपका स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली एक पॉपअप आएगा, और कॉल हमेशा कन्फर्म होता है कैंडल का क्लोजिंग वैल्यू में। जैसे इस कैंडल का क्लोजिंग वैल्यू था, आपको दिखाई दे रहा है 8275। तो इस ये जो कैंडल खत्म होगा, नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग वैल्यू से आपको कॉल पकड़ना है। बट कॉल पकड़ने का पहले आपको कुछ कंडीशन को मैच करना है। जैसे देखिए, जिस टाइम बाय का कॉल बना था, उसका नीचे आपको एक ब्लू कलर का डॉट दिखाई दे रहा है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाइंग का टाइम बाय का कॉल का साथ कोई ब्लू कलर का अगर डॉट आपको दिखे, जिसका साथ ये ब्लू लाइन ऊपर का तरफ जा रहा है, तो ये बाइंग के लिए काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन है, जो बाइंग का टाइम ये ब्लू डॉट बनेगा और ये लाइन ब्लू होकर ऊपर का तरफ जाएगा। बाइंग का कॉल का पहले आपको एक लाइन दिखाई देगा जो ग्रीन होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इसका ट्रेंड लाइन है। मिडिल में आपको कुछ वायलेट टाइप का कैंडल दिखाई देगा, और एक येलो कलर का लाइन दिखाई देगा जिसका ऊपर ये बाय का कॉल को बनना है। तो ये दो से तीन कंडीशन आपको मैच करना पड़ेगा। अगर एक कंडीशन मैच होता है तभी जाके इस कॉल पे आप ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, ट्रेडिंग का मतलब ही होता है अपॉर्चुनिटी। दिन में ऐसा बहुत सारा कॉल बनता है जिसमें से कुछ कॉल ही अचीव होता है, मैक्सिमम कॉल अचीव नहीं हो पाता है। तो हम लोग का काम है जस्ट कॉल को फाइंड आउट करना, कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। अगर अपॉर्चुनिटी वाला कोई कॉल आपको दिखे तो ही ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो ये जो बाय का कॉल बना, यहाँ पर सारा कंडीशन मेरा फुलफिल कर रहा है। जो बाय का कॉल बना, बाय का कॉल जैसे ही बनेगा कोई भी स्क्रिप्ट में, ऑटोमेटिकली आपका स्क्रीन के ऊपर पॉपअप आ जाएगा। आपको जस्ट खोल के चेक करना है मिडिल का लाइन का कलर ग्रीन है या नहीं, येलो लाइन का ऊपर बाय का कॉल बना है कि नहीं, और मेनली ये जो ब्लू डॉट का साथ ये लाइन चल रहा है, ये कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं ब्लू का साथ। अगर ये तीन बेसिक कंडीशन मैच होता है तब जाकर आप इस कॉल पर ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो बाइंग का टाइम जो कंडीशन रहेगा, सेलिंग का जस्ट ऑपोजिट कंडीशन होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, डॉट ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो गया, ये आपका सेल का कॉल है। सेलिंग पे मिडिल का जो लाइन है उसका कलर रेड हो गया है, मिडिल का जो कैंडल है उसका कलर भी रेड हो गया है। तो बाइंग पे जो कंडीशन आप देखें, सेलिंग में जस्ट ऑपोजिट कंडीशन होगा। तो ये जो सेल का कॉल बना था, ये भी एक परफेक्ट कॉल था, क्योंकि लाइन भी रेड दिखाई दे रहा है आपको, मिडिल का जो कैंडल है वो भी रेड है, और ये रेड डॉट का साथ ये लाइन भी नीचे कंटिन्यू कर रहा है। तो फर्स्ट बाय का कॉल जो बना, ये भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखे गया। सेकेंड जो सेल का कॉल बना, ये भी प्रॉफिट देखे गया है। अभी आपका सामने देखिए, एक रिसेंटली बाइंग का कॉल बना है। अब अगर इसका बात किया जाए, देखिए कॉल तो कंफर्म हो चुका है, क्योंकि एक बार सिग्नल आ जाने का बाद भले ही मार्केट रिवर्स हो जाए, बट हम लोग का सिग्नल यहाँ पर रिपेंड नहीं होता है। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है। मैक्सिमम इंडिकेटर आप इस मार्केट में देखे होंगे, जो सिग्नल आता है और मार्केट रिवर्स होने से सिग्नल गायब भी हो जाता है, बट हम लोग का यहाँ पर सिग्नल आ जाने के बाद सिग्नल और गायब नहीं होगा, भले ही वो स्टॉप लॉस क्यों ना हो जाए। तो अभी जो बाय का कॉल आपका सामने बना है, देखिए इस कैंडल का क्लोजिंग वैल्यू को मैं देख लेता हूँ, 8272 में बाय का कॉल बना है। मिडिल का जो कैंडल है उसका कलर वायलेट हो गया है, येलो लाइन का ऊपर भी थोड़ा मूवमेंट चला गया है, मिडिल का लाइन भी ग्रीन हो गया है, बट अभी भी इस बाय का कॉल का नीचे आपको कोई ब्लू डॉट नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। अगर यहाँ पर कोई ब्लू डॉट नहीं बनता है तब तक ये कॉल को हम लोग कन्फर्म नहीं बोलेंगे। तो याद रखिएगा, ये तीन चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिग्नल तो काफ़ी सारा बनता है, और हम लोग जस्ट एक परफेक्ट कॉल के लिए वेट करेंगे, और जहाँ पर एक कंडीशन मैच होगा ओनली उसी कॉल में ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो जैसे फर्स्ट बाय का कॉल में फुल्ली कंडीशन मैच था, अच्छा प्रॉफिट देखे गया, सेकेंड सेल का कॉल में भी प्रॉफिट देखे गया, थर्ड जो बाय का कॉल बना है, कंडीशन अभी भी ये अधूरा है, क्योंकि नीचे में जो ब्लू डॉट का साथ लाइन बनना चाहिए जो अभी तक बना नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना है, अगर एक मैच हो जाता है तो ही जाके इस कॉल पे हम लोग ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे।
अब ऐसा हो ही सकता है जो ये मैच आधा घंटा बाद हो, तो आधा घंटा बाद भी आप एंट्री ले सकते हैं, बट इसका पहले आप एंट्री नहीं ले सकते। तो चलिए, कंसेप्ट कैसा लगा कमेंट करके बोलिए। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इस मार्केट रिलेटेड अगर आपको मेरा और भी बहुत सारा वीडियो देखना है या मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चैनल का लिंक दिया हुआ है, चैनल को ओपन कीजिए, काफ़ी सारा वीडियोज़ आपको मिलेगा। दो चार वीडियो और देख लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर आपका मन में कोई भी डाउट है, क्वेरीज है, आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का लाइव वीडियो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच। और अभी भी अगर सॉफ्ट वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच। और फाइनली और एक चीज़ बोलूंगा, जो ये जो सॉफ्टवेयर है, नॉट ओनली फॉर क्रूड ऑयल, आप इसमें कोई भी सेगमेंट में काम कर सकते हैं। इसमें आप इक्विटी, फ्यूचर, कॉमोडिटीज, ऑप्शन एज वेल एज फॉरेक्स में भी काम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। गुड बाय।